King Shark is a shark. So, hello दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे. और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ किंग शार्क और ओरिजिन उसके बारे में, और जिसने सबसे पहले अपना डेब्यू दिया था CW फ्लैश सीरीज में, और इसका अपीयरेंस ना एनिमेटेड सीरीज और कार्टून में भी हो चुका है. और हमारे किंग शार्क की जो डबिंग करने वाला है ना दोस्तों, वो हमारे रॉकी रैम्बो भाई है. और दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि किंग शार्क वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर होने वाला है सुसाइड स्क्वाड में, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, और ये कोई एरा गैरा कोई छोटे से बच्चे जैसा कैरेक्टर नहीं है, ये 2 मिनट में किसी भी इंसान को एक बारी में खा सकता है. और दोस्तों, जो हमें जेम्स गन की मूवी सुसाइड स्क्वाड में दिखने वाला जो किंग शार्क है ना, वो लाइव एक्शन वर्जन है हार्ली क्विन की कार्टून सीरीज के किंग शार्क का. दोस्तों, सबसे पहले किंग शार्क ने अपना डेब्यू दिया था सुपर बॉय की जीरो सीरीज इन 1994 में, बट उसका जो पूरा का पूरा अपीयरेंस हुआ था ना, वो सुपर बॉय 9 सीरीज में हुआ था. किंग शार्क को जिसने बनाया था ना, उनका नाम था कार्ल कैसन. और दोस्तों, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि किंग शार्क कोई अननोन कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, उसके काफ़ी ज़्यादा कार्टून अपीयरेंस हो चुके हैं, और उसने फ्लैश की सीरीज में भी अपना अपीयरेंस दे रखा है. और दोस्तों, वो जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर में भी रह चुका है, जिससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि किंग शार्क एक काफ़ी ज़्यादा मेन कैरेक्टर है. सो चलिए दोस्तों, अब इसका ना ओरिजिन जानते हैं. दोस्तों, जो किंग शार्क का ओरिजिन है ना, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुपर बॉय 9 सीरीज की शुरुआत में ही किंग शार्क का ओरिजिन पूरा बता दिया गया था. इन अ लॉन्ग टाइम अगो, हवाई में एक लेजेंड था, ननावे नाम का एक बंदा था, जो एक वाइपियो वैली में रहा करता था. कि जैसे कि हम इस कॉमिक में देख ही सकते हैं कि दोस्तों, कि एक हुडी में, एक डार्क कलर की हुडी में एक बंदा है, जो लड़का लड़की को समझा रहा है कि पानी में मत जाओ, शार्क इज वेटिंग फॉर यू. बट ये कहाँ समझने वाले थे, लड़का लड़की अपनी जवानी में थे, तो वो पानी में चले जाते हैं. और पानी में जाने से पहले ना, वो लड़का उस बंदे का नाम भी बता देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो मिस्टीरियस बंदे का नाम ननावे है. और लड़के लड़की के पानी में जाने के बाद, जो बंदा जो उनको वॉर्न कर रहा था कि शार्क इज वेटिंग फॉर यू, वो ही एक्चुअली में किंग ऑफ द ऑल शार्क निकलता है, और उसके बाद तो आपको पता ही है. और कॉमिक के इशू के एंड होने तक हमें ये पता चलता है कि जो ननावे है ना, वो शार्क गॉड का बेटा है. उसके बाद ननावे एक लड़की से मिलता है जिसका नाम होता है काइकिया, और काइकिया हवाई की ट्राइब की रहने वाली एक लड़की होती है. और उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा. ननावे काइकिया को बोल देगी, तुम मुझे एक बेटा दोगे जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, और आने वाले समय में उसका नाम रखा जाएगा द किंग शार्क. सो दोस्तों, ये थी किंग शार्क की द ट्रू ओरिजिन. सो चलिए बात कर लेते हैं अब उसके पावर और एबिलिटीज की. तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग शार्क की हाइट के बारे में. किंग शार्क 7 फुट 2 इंच का, 270 किलो का एक ह्यूमन शार्क हाइब्रिड है. और हवाई शार्क गॉड के बेटे होने के कारण ना दोस्तों, किंग शार्क सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पोजेस करता है, और इवन सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ पोजेस करता है. वो बस अपने एक ही मुक्के से ना कोई भी स्टील और कॉन्क्रीट की दीवार आसानी से तोड़ सकता है. और किंग शार्क ने सुपर बॉय और एक्वामैन जैसे बड़े बड़े कैरेक्टरों को आसानी से धूल चटा रखी है. और दोस्तों, जब किंग शार्क अपने बर्जर्कर मोड में आता है ना, कि जैसे उसका कोई एक रेज मोड है, जब वो अपने एक रेज मोड में आ जाता है ना, तो दोस्तों वो नियरली अनस्टॉपेबल बन जाता है. और अगर दोस्तों उस समय ना उसके सामने कोई भी आ जाता है ना, तो सिर्फ उसके चीथड़े उड़ते हुए दिखते हैं. दोस्तों, हम सबको पता है कि एक्वामैन भी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, जस्ट लाइक सुपरमैन एंड वंडर वूमन, बट पानी के अंदर वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है. बट एक्वामैन से भी ज्यादा पावरफुल किंग शार्क है पानी के अंदर. और दोस्तों, सुपर बॉय से भी ना किंग शार्क हेड टू हेड लड़ पाता है, और सुपर बॉय सर एक फ्रिकिंग क्रिप्टोनियन है, तब भी किंग शार्क उससे हेड टू हेड लड़ पाता है. दोस्तों, किंग शार्क सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी पोजेस करता है, और जो उसकी स्किन है ना, एक्सट्रीमली हार्ड है, और इवन बुलेट प्रूफ भी है. और इतना सारा कुछ होने के बाद भी ना, इस बंदे के पास एक गुड अमाउंट ऑफ हीलिंग फैक्टर है. और अगर इस बंदे से अगर आप पानी के अंदर लड़ोगे, तो वो आपके लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एक्चुअली में तो ये शार्क गॉड का ही बेटा है, और शार्क पानी में ही तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है. और दोस्तों, ऊपर से जो इसका सिग्नेचर मार्क है, इसके शार्क टीथ वो इतने हार्ड होते हैं कि वो किसी भी स्टील और कॉन्क्रीट को ईजिली काट देते हैं. सो सोचिए इंसानों को तो ये कैसे काटता है. और इसके पास इनहेंस सेंसेस एंड सोनार भी है. वैसे कितनी तकड़ी एबिलिटी है ना, कि सुन के मजा आ जाएगा. मतलब कि ये पानी के टेस्ट से बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ पे है. नेविगेशन गया सब भाड़ में, सिर्फ ये बंदा पानी के टेस्ट से बता देता है कि पूरी दुनिया में कहाँ पे है अभी. तो सुसाइड स्क्वाड में इसका एपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो ना, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.